हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं श्रीमद् भागवत गीता के 11 रहस्य। जानकर चौंक जाएंगे गीता का ज्ञान। तो दोस्तों, शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 11 रहस्य। पहला है, ना कोई मरता है और ना ही कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत वो बिना शरीर वाले हो जाएंगे, या तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं। फिर इनका शोक क्यों करते हो? श्री कृष्ण कहते हैं, हिंदू धर्म के एकमात्र धर्म ग्रंथ हैं वेद। वेदों की 4 भाग हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्व। वेदों के सार को वेदांत या उपनिषद कहते हैं, और उपनिषदों का सार या निचोड़ गीता में है। गीता हिंदुओं का सर्वमात्र एकमात्र धर्म ग्रंथ है। गीता के ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र में खड़े होकर दिया था। यह श्री कृष्ण अर्जुन संवाद से विख्यात है। और दूसरा है, वैसे तो गीता श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ एक संवाद है, लेकिन कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से उस काल रूप परम परमेश्वर ने गीता का ज्ञान विश्व को दिया। श्री कृष्ण उस समय योगारूढ़ थे। और तीसरा है, गीता के 4 अध्याय में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पूर्व काल में यह योग मैंने विपुश्वान को बताया था। विपुश्वान ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। यूं पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा से प्राप्त इस ज्ञान को राजर्षियों ने किया जाना, पर कालांतर में यह योग लुप्त हो गया। और अब उस पुराने योग को ही तुम्हें पुनः बता रहा हूँ। परंपरा से यह ज्ञान सबसे पहले विश्वान शूर को मिला था, जिससे पुत्र पैवेश्वत मनु थे। और 5वीं चीज है, श्री कृष्ण के गुरु घोर अंगिरस थे। घोर अंगिरस ने देवकी पुत्र कृष्ण को जो उपदेश दिया था, वही उपदेश श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को देते हैं। छंदोग्य उपनिषद में लिखा मिलता है कि देवकी पुत्र श्री कृष्ण घोर अंगिरस के शिष्य हैं, और वे गुरु से ऐसा ज्ञान अर्जित करते हैं जिससे फिर कुछ भी ज्ञातव्य नहीं रह जाता। यद्यपि गीता द्वापर युग में महाभारत के युद्ध के समय रणभूमि में कि कर्तव्य मोड़ अर्जुन को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई थी, किंतु इस वचनामृत की प्रासंगिकता आज तक बनी हुई है। और 6वां है, गीता में भक्ति ज्ञान और कर्म मार्ग की चर्चा की गई है। उसमें यम नियम और धर्म कर्म के बारे में बताया गया है। गीता ही कहती है कि ब्रह्म ईश्वर एक है। गीता को बार बार पढ़ेंगे तो आपकी समझ इसके ज्ञान का रहस्य खुलता जाएगा। गीता के प्रत्येक शब्द पर एक अलग ग्रंथ लिखा जा सकता है। गीता में श्रेष्ठ उत्पत्ति, जीव विकास क्रम, हिंदू संदेहवाहक क्रम, मानव उत्पत्ति। और 9वीं चीज है, गीता की गणना उपनिषदों में की गई है, इसलिए इसे गीता उपनिषद भी कहा जाता है। दरअसल यह महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। महाभारत में कुछ स्थानों पर उसका हर गीता नाम से उल्लेख हुआ है। शांति पर्व 346:10-348 का श्लोक में गीता के उपनिषदों की व्याख्या की गई है। और 10वां है, श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को इसलिए दिया क्योंकि वह कर्तव्य पथ से भटक कर सन्यासी और बैरागी जैसा आचरण करके युद्ध छोड़ने को आतुर हो गया था। वह भी ऐसे समय में जबकि सेना मैदान में डटी थी। ऐसे में श्री कृष्ण को उन्हें उनका कर्तव्य निभाने के लिए यह ज्ञान दिया जाता है। गीता को अर्जुन के अलावा और संजय ने सुना, और उन्होंने धृतराष्ट्र को सुनाया। और सबसे लास्ट 11वां है, गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिस पर दुनिया भर की भाषा में सबसे ज्यादा भाष्य, टीका, व्याख्या, टिप्पणी, निबंध, शोध ग्रंथ आदि लिखे गए हैं। आदि शंकराचार्य, रामानुजा, रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य, निम्बकाचार्य, भास्कर, वल्लभ श्रीधर स्वामी, आनंदगिरी मधुसूदन, सरस्वती, संत ज्ञानेश्वर, बाल गंगाधर तिलक, परमहंस योगानंद, महात्मा गांधी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, महर्षि अरविंद घोष, एनी बेसेंट, गुरुदत्त विनोबा भावे, स्वामी चिन्मयानंद, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी नारायण, जयदयाल, गोयनक, ओशो राजनीश, स्वामी क्रियानंद, स्वामी राम सुखदास, श्री राम आचार आदि सैकड़ों विद्वानों ने गीता पर भाष्य लिखे या प्रवचन दिए हैं। लेकिन कहते हैं कि ओशो रजनीश ने जो गीता पर प्रवचन दिए हैं वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रवचन है।
किस समय किसने गीता को महाभारत से अलग कर एक स्वतंत्र ग्रंथ का रूप दिया, इसका कोई प्रमाण नहीं कहीं नहीं मिलता है। आदि शंकराचार्य द्वारा भाष्य रचे जाने पर गीता जिस तरह प्रमाण ग्रंथ के रूप में पूजित हुई है, क्या वही स्थिति इसके पूर्व भी प्राप्त हुई थी, इसका निर्णय कर पाना कठिन है। तो दोस्तों, अगर कोई मुझसे गलती हो गई हो तो प्लीज क्षमा कर दीजिएगा। और हमने श्रीमद् भागवत गीता के 11 रहस्य जो बताए हैं, क्या आप जानते हैं? यदि जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।